Good morning, guys. I will just give you a quick market update for today, which will help you in today's market session. So let me start. First of all, let us see where the markets are going to open today. Market is indicating us a good gap up today, which will be almost equal to 70 points. Okay. US 100 and US 30 is right now trading in the green territory. And we're expecting the markets to open somewhere near 16,127. So since the last 2-3 days, we have seen that the markets are opening in this zone. Okay. But aapko last ke 2 din mein ek achha khasa trading opportunity mila, because the reason was ki aap ya to outside previous day range khul rahe the and then you went inside aur bahut hi achha aapko bullish momentum mil gaya. Wahan pe aapne ek gap filling trade le li. This was already explained. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको यहाँ से बुलिश मोमेंटम मिल सकता है, तो यहाँ से वी टुक अ गुड बुलिश मोमेंटम एंड मेड द मनी. कल क्या हुआ, कल आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला एंड यू गॉट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? तो पिछले 2 दिनों में यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज या तो मार्केट आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज खुल रहा है या फिर वो आपको प्रीवियस डे रेंज को ब्रेक करके एक मोमेंटम दे रहा है. अब आज क्या होने वाला है, आज यू आर गोइंग टू ओपन इन द प्रीवियस डे रेंज. प्रीवियस डे रेंज क्या है आपकी, ये से लेकर यहाँ तक आपकी प्रीवियस डे रेंज है. मार्केट इसके बीच में खुलने वाला है. ऑल्सो मार्केट जब खुलेगा तो वो पिछले 2 दिन की ओपनिंग के पास ही अगेन ओपन होने वाला है. तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. कल मैंने आपको इसीलिए कोई वन ट्रेंड, किसी एक साइडेड ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं बताया बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज माई सेल्फ. मैं इसीलिए कन्फ्यूज था बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो था वो यहीं से ब्रेकआउट आया था मार्केट में एंड यहीं से अपसाइड हुई थी. एंड नाउ जब मार्केट वापिस से वहीं आ रहा है फर्स्ट टाइम, यू आर सीइंग दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक FIs आर बिकमिंग वेरी बियरिश ऑन द मार्केट. तो कल का जो डेटा था उसमें FIs वर वेरी बियरिश एंड द प्रोज वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी bearish opening, but आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है gap up. So this data which was bearish and जिसमें आपको बड़े participants bearish दिख रहे थे, आपको opening उनके खिलाफ दिख रही है market में. And इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, just because market is at a very crucial level of 16,000 and the FIs are very bearish, it's hard to determine trend for tomorrow or make an assumption. इसीलिए तो lot of times it will happen कि आपको price action कुछ और बता रहा होगा, ठीक है, एंड द डेटा विल बी टेलिंग यू अ डिफरेंट स्टोरी. एट दैट टाइम मैं FIs के डेटा को भी फॉलो नहीं करता ब्लाइंडली. आई ट्राई टू टेक, जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ डेटा का, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन. मैं प्राइस एक्शन को उस डेटा से कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ एंड अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन एंड डेटा कॉम्बिनेशन में अच्छे से वर्क कर सकता है, देन मैं आपको एक ट्रेंड प्रोवाइड करता हूँ. बट टूडे इट विल बी कन्फ्यूजन, इट विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजिंग डे फॉर ट्रेडर्स बिकॉज इफ यू सी तो मार्केट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अ 9 EMA सपोर्ट आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब बहुत दिन से इसके नीचे क्लोजिंग आई भी नहीं है एंड कल मार्केट जस्ट यहीं तक आके रुक गया, ठीक है. तो इट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल बिकॉज यहीं से ब्रेकआउट आना चालू हुआ है. यू कैन ऑलरेडी सी लास्ट के जो 2-3 दिन का मोमेंटम था यहीं से चालू हुआ है. So definitely when one will come again at the same zone, it will see a good buying opportunity from this level. And FIs have turned very bearish. So it is making me confused ki is level pe jahan pe buying honi chahiye, wahan pe bahut aggressively selling kyun honi hai, theek hai. And today what you are going to see is ki aaj aapko previous day range mein opening milegi and ye opening फिर से वही होगी जहां से पिछले 2 दिन में ओपनिंग हो रही है, लगभग उसी जोन के आसपास ओपनिंग होने वाला है, ठीक है. तो वन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती है वो है इस ट्रेंड लाइन, ठीक है. 2 गैप्स बचेंगे आज जब मार्केट खुलेगा, उसके बाद 2 गैप्स बचेंगे. मार्केट यहाँ खुलने के बाद एक गैप होगा नीचे की तरफ, एक गैप होगा ऊपर की तरफ जो कल अनफिल्ड रह गया था, ठीक है. तो 2 गैप है मार्केट के पास, एक तो ऊपर वाला गैप है और एक नीचे वाला गैप है. नाउ द कंफ्यूजन इज कि पहले नीचे वाला गैप फिल होगा या पहले ऊपर वाला गैप फिल होगा. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बेटर नॉट अज्यूम कि कौन सा गैप पहले फिल होगा. अपन ये मान के चलते हैं कि अगर पहले मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर का गैप फिल करता है तो वी विल गेट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दिस लेवल, और अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद नीचे का गैप पहले फिल करता है तो डेफिनेटली वी माइट गेट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी
जब ये गैप फिल हो जाएगा। तो दिस इज माय प्लान कि जहां भी गैप पहले फिल होगा उसके अदर साइड पे मैं अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ठीक है, अगर पहले ऊपर का हो जाता है तो आई विल फाइंड अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, अगर नीचे का पहले गैप फिल हो जाता है तो देन आई विल ट्राई टू फाइंड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। लेट मी टेल यू द प्लान फॉर निफ्टी बैंक एज वेल। निफ्टी बैंक में यहाँ से आपने कल सेलिंग देखी थी इस जोन से, ठीक है, सेकेंड टाइम जो मार्केट वापस इस जोन से आया तो बहुत ही फास्ट तरीके से सेलिंग आई, तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड सप्लाई जोन। अगर मार्केट आज यहाँ पे वापस आ जाता है तो यू माइट गेट अनदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस लेवल, बट मार्केट स्टिल प्रीवियस डे रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ये जो रेंज थी मंडे की इसी में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कल भी इसी में ट्रेड किया, तो आई थिंक देयर विल बी मोर वॉलेटिलिटी इन बैंक निफ्टी जब तक बैंक निफ्टी ये रेंज नहीं तोड़ देती। डेफिनेटली अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो वो काफी शॉर्ट पोजिशन साइज में होगी या फिर मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं बैंक निफ्टी में। आई विल ट्राई टू टेक द ट्रेड इन निफ्टी। ओके, तो अगर ये रेंज टूटेगी तभी मैं बैंक निफ्टी की तरफ एग्रेसिव ट्रेडिंग करूंगा, अदरवाइज जब तक ये इस रेंज में है मंडे वाली आई विल नॉट ट्राई टू फाइंड एग्रेसिव ट्रेड इन निफ्टी बैंक। अगर कोई ट्रेड होगी भी तो वो काफी लोअर पोजिशन साइज में होगी। लेट अस टॉक अबाउट वन स्टॉक, एक स्टॉक भी बता देता हूँ आपको जो आज अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इंट्राडे में दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू इट्स डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि काफी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बन रही है, एक ही लोकेशन पे वी आर हॉल्टिंग। ठीक है, तीन दिन से वी आर टेकिंग अ रेजिस्टेंस एट वन जोन, तो डेफिनेटली वंस वी क्रॉस दिस जोन, जैसे ही ये जोन क्रॉस हो जाएगा we will get a good move of around 40-50 points. ठीक है, तो definitely you can keep this stock in your watch list for today. अगर आपको एक अच्छा breakout मिलता है यहाँ पे on a 15-minute time frame, या तो 15-minute time frame पे देख लेना या 5-minute time frame पे देख लेना, जैसा भी हो, अगर आपको यहाँ एक अच्छा breakout मिलता है तो definitely you can enter this stock. This will be a good buying opportunity in Hero MotoCorp. This was about today's market outlook. Thank you. Just follow the plan and don't get distracted. Thank you.